हाय गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज योर फेवरेट गरिमा मैम। और आज हम इस चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं कि भाई ड्रॉपर्स अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करते हैं, आखिर कहाँ पे वो पीछे छूट जाते हैं, कहाँ पे वो आगे नहीं जा पा रहे, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले हम देखें कि ड्रॉपर्स क्या टॉपर्स बनते हैं, तो मैं कहूँगी ऐसा नहीं होता है अक्सर, क्योंकि ड्रॉपर्स मैक्सिमम सिलेक्शन जरूर लेते हैं, मैक्सिमम मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे यही जाते हैं, बट टॉपर्स जो है ऑल इंडिया रैंक 1 ले लो, लास्ट ईयर की 10 साल की उठा के देख लो, तो आप देखेंगे कि जो टॉपर्स है वो 11-12 वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते हैं। आप लोग स्मार्ट स्टडी ढूंढते हैं, आप लोग क्विक नोट्स ढूंढते हैं, आप हर तरह के नोट्स देखते हैं कि भाई मेरा फटाफट से सिलेबस हो जाए, क्योंकि एक साल में 2 क्लासेस पढ़नी होती है आपको, तो यहाँ पे आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है, यहाँ पे आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, बट उनके पास पूरा टाइम होता है, पूरे प्लान तरीके से वो करते हैं, इसलिए अक्सर वो ऑल इंडिया रैंक 1 ले आते हैं, टॉप 10। ठीक है, आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं कि भाई मेरे को मॉड्यूल नहीं पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन तो मेरा सिर्फ एनसीईआरटी से आना है, तो अब आप समझ चुके हैं, तो इसलिए आप उतना ही पढ़ते हैं जितना आपको पता है कि मेरे को सिलेक्शन दे जाएगा। आप रेडीमेड नोट्स ढूंढ रहे हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जैसे आपको पता है पीवाईक्यूज में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इतना आपको अंदाजा लग जाता है, तो आप डायरेक्टली आप उसी चीज पे हिट करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीजें आप करते हैं। नाउ हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्कोर ड्यूरिंग दिस जर्नी, अब स्कोर इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो अपना टारगेट और अपना कॉलेज सेट कर लेना चाहिए। अगर आपने एम्स जाना है तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे टफ कंपटीशन चलता है, सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन यहाँ चलता है, और इसके लिए मुझे अबव 700 मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए? अबव 700 मार्क्स मुझे इसके लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और अबव 700 मार्क्स का मतलब है कि मुझे कंप्लीट डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट और उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से बायो से पढ़नी है तो बायो से रट के बैठ गए, नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उसे अंडरस्टैंड भी करना है, जिसके एनालिटिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे कर सके। ठीक है, फिर हर एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्या करना है बच्चों? आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करने हैं, जिससे कि क्या होगा, स्पेशली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जितना आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना आप फिजिकल के करेंगे, जितना आप क्वेश्चंस फिजिक्स के सॉल्व करेंगे, उतना बेटर है आपके लिए, क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी होगी और आप बहुत स्पीड बनेगी। यहाँ पे अब आपको चाहिए स्पीड एंड एक्यूरेसी, क्योंकि अब खेल हो चुका है सारा किसका, स्पीड एंड एक्यूरेसी का। और स्पीड और एक्यूरेसी से मुझे एक चीज याद आती है, विच Unacademy has bring for you, जो Unacademy आपके लिए लेकर आया, that is Unacademy Compete। ये एक ऐसा बैटल है जहां पे आप किसी के साथ भी लड़ सकते हो भाई, या आपका मैच आपके आईक्यू के हिसाब से ढूंढने वाला है। अगर आपके नंबर 200 आ रहे हो तो 200 के हिसाब से ढूंढेगा, अगर आप 400 पे है तो आप 400 के हिसाब स्टूडेंट के साथ लड़ेंगे। वहीं पे सिर्फ सही आंसर से बात नहीं बनेगी, आपको फास्ट भी होना है। यस, अभी मैं आपको बताऊं, मेरा भी कंपटीशन सर के साथ हुआ था, आनंद मनी सर के साथ, सारे आंसर करेक्ट थे, बट मैं 0.3 सेकंड लेट हो गई और मैं सेकंड आ गई, वो फर्स्ट आ गए। यही चीज को मैं आपको बताना चाह रही हूँ बच्चों, कि ये जो है कम्पीट इज जस्ट नॉट अ कम्पीट, बट इट इज समथिंग विच यू आर लुकिंग फॉर, इट इज समथिंग विच यू आर वेटिंग फॉर। दिस इज अ गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। जितना स्पीड और एक्यूरेसी आपका बनेगा, उतना ही नीट में आप फोड़ के आओगे, उतना जल्दी आप क्वेश्चन को समझोगे, उतना जल्दी आप आंसर करने की कोशिश करोगे। और इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए वी हैव लॉट ऑफ प्राइजेस फॉर यू इन Unacademy Compete। पहला दिन 60,000 स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड, फर्स्ट डे। अभी ये लाखों में चलने वाला है बच्चों, वी आर अनस्टॉपेबल। इस बार एम्स दिल्ली तक जाने के लिए अगर हमें गेम एक ऐसी हमने बना दी है जहां पे आप पढ़ेंगे भी और गेम भी खेलेंगे और प्राइजेस भी जीतेंगे, तो वी आर अनस्टॉपेबल, नोबडी कैन स्टॉप अस। वी वांट दिस एंड हियर इट इज, दिस इज योर Unacademy Compete एंड यू हैव टू गो फॉर इट। आज ही अपनी ऐप खोलो, आज मैं भी कम्पीट पे आने वाली हूँ, लेट्स से देखते हैं कि क्या पता आपका मैच मेड से हो जाए, है ना। देखो फिजिक्स केमिस्ट्री तो अपन को आती नहीं, बट हाँ बायो टफेस्ट कॉम्पिटिशन है ना। यस, फिर उसके बाद UNSAT का पेपर भी हमारा 8 और 15 को हो रहा है। आई होप आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा, क्योंकि दिस इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट। ठीक है, जिसमें आपको जरूर जरूर एनरोल करना है बच्चों, एंड 8 और 15 को, अभी ज्यादा दिन बचे नहीं है, फटाफट से एनरोल कर लो, बिकॉज फिर तारीख निकल जाएगी मेरे बच्चों। ठीक है, इसमें फटाफट से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप कर सकते हैं। 99 रुपए का टेस्ट है, 100% तक स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको मिलती हूँ अनअकैडमी कंपीट में। आज मेरा भी मैच हो सकता है, देखते हैं किससे मैच होता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके शेयर करेंगे सब मिलकर। ठीक है, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू शेयर इंस्टा स्टोरीज, योर टेलीग्राम स्टोरीज, जहां जहां पे स्टोरीज आप डाल सको, क्योंकि आई विल ऑल्सो बी देयर इन कंपीट एंड फाइटिंग विद यू। लेट्स सी हु गेट अ मैच विद मी। ठीक है, सो वेटिंग फॉर यू गाइस, बिकॉज इस बार ड्रॉपर भी टॉपर बनेगा अगर आप मजे से पढ़ रहे हैं नीट के लिए। ठीक है बच्चों, तो सी यू सून एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू।